इस वीडियो में हम क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च यानी एक अच्छी रिसर्च का क्या क्राइटेरिया होता है या एक अच्छी रिसर्च में क्या फीचर्स या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये हम इस वीडियो में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। एक अच्छी रिसर्च के अंदर मल्टीपल फीचर्स या मल्टीपल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ वैलिडिटी, कि रिसर्च में वैलिडिटी होनी चाहिए। वैलिडिटी का मतलब ये है कि हमारा रिसर्च इंस्ट्रूमेंट वही कुछ मेजर कर रहा हो जिसके लिए उसे डिज़ाइन किया गया है और एक्यूरेटली मेजर कर रहा हो। वैलिडिटी का फोकस होता है एक्यूरेसी के ऊपर, कि हमारा जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है उसको एक्यूरेट होना चाहिए। अगर हमारा रिसर्च इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली मेजर कर रहा होगा जिसके लिए उसे डिज़ाइन किया गया है, तो इससे हमारी रिसर्च की फाइंडिंग्स भी एक्यूरेट होंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है एक अच्छी रिसर्च की, कि रिसर्च की फाइंडिंग्स को एक्यूरेट होना चाहिए। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब यह है कि हमारे रिसर्च इंस्ट्रूमेंट को रिलायबल होना चाहिए, कि हमारा रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टेंट और स्टेबल रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करे। रिलायबिलिटी डील करती है कंसिस्टेंसी के साथ और स्टेबिलिटी के साथ, कि अगर हम एक रिसर्च इंस्ट्रूमेंट से एक ही टेस्ट को बार बार एग्जीक्यूट करें तो जो रिजल्ट्स आए ना वो कंसिस्टेंट होने चाहिए और वो स्टेबल होने चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक होती हैं एक अच्छी रिसर्च की, कि हमारे रिसर्च इंस्ट्रूमेंट को वैलिड भी होना चाहिए और रिलायबल भी होना चाहिए। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है ऑब्जेक्टिविटी, कि रिसर्च वर्क के अंदर किसी भी तरह की बायसनेस नहीं होनी चाहिए। रिसर्चर बायस नहीं होनी चाहिए, रिस्पॉन्स बायस नहीं होनी चाहिए, पब्लिकेशन बायस नहीं होनी चाहिए। एक अच्छी रिसर्च में किसी भी तरह की बायसनेस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइजेबिलिटी का मतलब यह है कि हमारी रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं उसको हम एंटायर पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज कर सकें। जब हम रिसर्च करते हैं ना तो वो हम सैंपल के ऊपर करते हैं, एंटायर पॉपुलेशन के ऊपर नहीं करते। तो जनरलाइजेबिलिटी का मतलब ये है कि जो सैंपल के रिजल्ट्स आए हैं उसको हम एंटायर पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज कर सकें। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है एथिकल कंसिडरेशन, कि रिसर्च वर्क को एथिकली एग्जीक्यूट होना चाहिए। रिसर्च में कोई हार्म नहीं होना चाहिए। रिसर्च वर्क को एग्जीक्यूट करते हुए किसी भी किस्म का कोई डैमेज या किसी भी किस्म का कोई हार्म नहीं होना चाहिए। जो पार्टिसिपेंट्स रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए, उनकी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स थी जो कि एक अच्छी रिसर्च में होनी चाहिए।